हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, तो आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ चुकी हूँ अपने पोस्टिंग पे और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक पेशेंट का कैनूला आउट करना था क्योंकि उन्हें डिस्चार्ज मिला था, तब उन्हें यहाँ से जाना था। तो डिस्चार्ज होने से पहले वीगो वगैरह आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर लगभग वीगो हमारा आउट होने को है और यहाँ पर जो भी माइक्रोपोल वगैरह चिपका के रखते हैं वो पहले उखाड़ना होता है और फिर वीगो को इस तरीके से कॉटन रखने के बाद निकालना होता है क्योंकि यहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है। तो इसको प्रेस करके रखना होता है कुछ टाइम के लिए वीगो आउट होने के बाद, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो सकती है। किसी किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं अब माइनर ओटी में आ गई थी और माइनर ओटी का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है क्योंकि इमरजेंसी ओटी है ये, ठीक है। यानी माइनर ओटी है और ये कैजुअलिटी है, तो यहाँ पे यही सेटअप होता है, ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। तो मेनली इमरजेंसी मेडिसिन देखिए यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ पे मैंने अंधेरे में एक छोटा सा वीडियो बना रखा है जिसमें आपको कुछ भी दिखने वाला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपनी खुशी के लिए इस वीडियो को बना रही थी क्योंकि यहाँ पर ना मैं दिख रही हूँ ना यहाँ पर मेरा काम दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। एकदम ब्लैक एंड वाइट था, यानी एकदम पुराने ज़माने की ये वीडियो थी। तो आप लोग भी थोड़ा सा फील ले लीजिए पुराने ज़माने की, जब रंगीन मूवी नहीं हुआ करती थी तब का। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ इतने सारे मरीज़ थे और अंदर हम लोग यहाँ पे जहाँ रहते हैं वहाँ से बाहर देखिए ये ग्लासेस लगी हुई हैं इस तरीके से और उस साइड मरीज़ हैं तो वो देख रहे थे। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, तो एक हमारे बैच का ही है, फ्रेंड है जिसका कि चोट लग गया था सिर में और टाँके लगे थे, मान के चले 6-7 टाँके तो लगे ही होंगे। तो अब उनका टाका जो था, यानी जो सूजर था, वो आउट करना था। बेचारा बहुत परेशान था लेकिन फिर भी टाके तो निकलवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके सारे सूजर जो हैं आउट हो रहे हैं और आउट हो चुका, अब सूजर ड्रेसिंग हो गया उनका। अब यहाँ पे देखिए पेशेंट का मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो जो है अपने इस कैजुअलिटी रूम का बना लूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मरीज को समझाना होता है कैसे क्या करना है, कहाँ पर जाँचें करवानी है, सब कुछ। और फिर हम लोग आ चुके हैं क्लास में, डेली की तरह फिर क्लास में आ गए। तो यहाँ पे हमारे एक फ्रेंड थे तो जो कि हमारे SR हैं, तो उनका जो था प्रेजेंटेशन था, तो प्रेजेंटेशन है तो इसीलिए वो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पढ़ाना होता है पूरे बैचमेट को। तो इनका प्रेजेंटेशन है, वो पूरी तरीके से प्रिपेयर है, आई होप ये अच्छे से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले उनका प्रैक्टिस चल रहा है और हम लोग भी यहाँ पर सुन रहे हैं और हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं कि क्या मस्त मस्त क्वेश्चन हम लोग उनसे पूछेंगे। अब देखिए क्लासेज में क्या होती हैं, और ये हमारा पूरा क्लास है जिसमें हमारी क्लासेज कभी कभी हुआ करती हैं, नहीं तो हमारा क्लास जो है बेसमेंट सर्जरी के दूसरे वाले हॉल में होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे फ्रेंड्स जो हैं थोड़ा बहुत ड्रामा कर लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं। तो मेनली अब आ गए हैं क्लास में और यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन चल रहा है और यहाँ पे अब क्या है, अब हम लोग आ गए हैं बायोमेट्रिक लगाने कलाम सेंटर। तो वहाँ पे रंगोली की तैयारी हो रही है, कुछ अभी ओकेजन था, मुझे भी कुछ खास पता नहीं है किस लिए ये रंगोली बनाया जा रहा, शायद ये फार्माकोविलियंस के लिए है, यानी ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर रंगोली बनाना था उस पर। ये इसी तरीके से इस वीडियो को यहाँ पेंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बाय।